दोस्तों आज AI ने कितने सारे कामों को पॉसिबल कर दिखाया है जो कई साल पहले इम्पॉसिबल लगते थे। बिना ड्राइवर के चलने वाले सेल्फ ड्राइविंग कार्स, हमारे सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन पर काम करने वाली अलेक्सा, और देखा जाए तो ये हमारी लाइफ को और इजी बना रही है। बट इसके पीछे एक डार्क ट्रूथ ये है कि इस AI के चलते बहुत सारे लोग अपनी जॉब से हाथ धो बैठे हैं। पिछले 15 सालों में गूगल ने सेल्स और मार्केटिंग से जुड़े तकरीबन 70% जॉब्स खत्म कर दिए हैं। इसके लिए मैंने एक रील भी बनाया था जो आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा। आज से तकरीबन 20 साल पहले कई सारे लोग शोरूम और दुकानों में लोगों का सिर्फ ऑर्डर टेकिंग का काम करते थे, बट गूगल के आने के बाद लोग उसकी स्पेसिफिकेशन फोन पर ही देख लेते हैं। अब जो इम्प्लॉयज टाइम के साथ खुद को अपग्रेड करके सेल्स कंसल्टेंट बन गए, उनकी जॉब बच गई। लेकिन जो लोग ऑर्डर टेकिंग का काम करते रहे, उनके लिए कंपनीज में आज कुछ काम नहीं है। इसके अलावा आप खुद सोचिए, आज दुनिया में कितने सारे लोग होंगे जो ड्राइविंग के जॉब पर अपनी जिंदगी चला रहे हैं। उन लाखों करोड़ों लोगों की जॉब आज सिर्फ AI की वजह से खतरे में है, क्योंकि सेल्फ ड्राइविंग कार्स की टेक्नोलॉजी जिस तेजी से तरक्की कर रही है, उसे देखते हुए वो दिन अब दूर नहीं जब गाड़ियों, ट्रकों और बसों के अंदर ड्राइवर्स की जरूरत ही नहीं होगी। चैटबॉट भी लोगों का जॉब छीनने का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। आपको याद होगा, आज से 5 से 6 साल पहले किसी भी कंपनी के कस्टमर सपोर्ट को कॉल करने पर हम सीधा कस्टमर एग्जीक्यूटिव से बात करते थे, लेकिन आज वही जगह चैटबॉट ले रही है। अब फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसी कंपनीज को इस काम के लिए बहुत ही कम इम्प्लॉयज की जरूरत पड़ती है। अब चलिए बात करते हैं एक AI चैटबॉट के बारे में जो आने वाले समय में हम सबकी जॉब खत्म कर सकती है। Tonight we're taking a deep dive into the world of AI with a special focus on ChatGPT, the revolutionary new language model developed by OpenAI. बेसिकली दोस्तों ChatGPT एक एडवांस प्रोग्राम है जो ह्यूमन लैंग्वेज को समझकर उसको एकदम ह्यूमन की तरह रिस्पॉन्ड कर सकता है। मतलब इजी लैंग्वेज में कहें तो ये AI आपके लिए प्रोग्रामिंग कोड कर सकता है, आपके कोडिंग एरर को निकाल सकता है और आपका पर्सनल असिस्टेंट बन सकता है। यहाँ तक कि ये आर्टिकल, सॉन्ग और मूवीज स्क्रिप्ट भी लिख सकता है। दोस्तों अब तक इससे पहले इतना ज्यादा एडवांस AI नहीं देखा गया है। दरअसल ChatGPT एक सर्विस है जिसे OpenAI नाम की कंपनी ने बनाया है। OpenAI एक अमेरिकन रिसर्च कंपनी है जिसे दिसंबर 2015 में इलॉन मस्क, सैम ऑल्टमैन और 4 लोगों ने मिलकर शुरू किया था। दोस्तों 2015 से लेकर अब तक OpenAI कई अलग अलग प्रोडक्ट्स लॉन्च कर चुकी है, जिसमें डाली 2 कुछ महीने पहले काफी पॉपुलर हुआ था, जो कि एक AI बेस्ड इमेज जनरेटर है। इससे पहले कंपनी ने GPT-3 को लॉन्च किया था और ChatGPT इसी का अपग्रेडेड और एडवांस वर्जन है। दोस्तों आपको क्या लगता है, ChatGPT जैसे AI को रहने देना चाहिए या इसे बैन कर देना चाहिए? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, AI ऑलरेडी इतने सारे लोगों का जॉब खा चुका है और क्या पता आगे कितना और जॉब खत्म करेगा। तो अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। आगे ऐसी और वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, सो दिस इज विशाल साइनिंग ऑफ फॉर द डे। मिलते हैं अगले वीडियो में।